एक आईपीएस अधिकारी बन करके जो इर्टिगा गाड़ी से घूम और कई लोगों को कई तरह के प्रलोभन दे करके अपने प्रभाव का रौब दिखा करके वो पद का दुरुपयोग कर रहा है। इस पे क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन्स की फोर्स एक्टिव हुई, गंभीर के साथ गई और वहाँ पर देखा गया तो वो इर्टिगा गाड़ी का नंबर UP 75 AB 2767 था। इसको ट्रैक किया गया तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म में पहने हुए आईपीएस की वर्दी पहने हुए जो राइज पर प्रोटोकॉल होता है उसका एक व्यक्ति वहाँ पर मिला। पहले वो अपना रोब में लेकर के उनको प्रभाव में डालने की कोशिश किया कि आप एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह से चेक नहीं कर सकते, आप अपमान कर रहे हैं और मैं उच्च अधिकारियों से शिकायत करके आपके विरुद्ध कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन हमारी टीम पूरी दृढ़ प्रतीक थी और इसको गंभीर खास ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि साहब ये फर्जी आईपीएस है। फिर कोई भी हो उसको इन्होंने अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए उनकी जब कड़ाई से पूछताछ की तो टूट गए कि साहब मैं कोई भी आईपीएस अधिकारी नहीं हूँ, मैं 2017 बैच का अपने को पासिंग करने के बाद अभी आया हुआ बताता था लोगों से और मेरे समारोह में भी कई हमने सम्मिलित हुआ यहाँ पर और लेकिन मैं कोई भी आईपीएस अधिकारी नहीं हूँ। फिर इनकी जब तलाशी ले गई तो इनके कब्जे से तमाम जो आईपीएस एक अधिकारी के उपभोग की जो चीज़ें होती वो भी मिली। चौंकाने वाली बात रही कि उसमें सब इंस्पेक्टर का भी एक आई कार्ड मिला जो सब इंस्पेक्टर था। जब इसकी गहनता से पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये पहले भी एक बार जेल 2010 में जा चुके हैं और ये सिपाही के रूप में इन्होंने कहा था कि मैं सिपाही भर्ती हूँ और उसमें छद्म करके एक लड़की से शादी भी कर ली थी। बाद में जब इनका घटना का अनावरण हुआ तो पता चला कि ये सिपाही भी नहीं हो, मैनपुरी कोतवाली में 2010 में मुकदमा कायम हुआ था जिसमें जेल गए। इसके बाद इन्होंने प्रचार किया कि इस व्यक्ति ने कि हम जो है एज सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो गए हैं और जो आप आई कार्ड अभी बनाए उसमें भी सब इंस्पेक्टर का भी आई कार्ड इनके पास मिला है और उसमें इस तरह से फर्जी करके दूसरी शादी भी की। फिर इन्होंने ये प्रचार किया कि 2015 में SDM में सिलेक्शन हो गया है और फाइनली 2017 में RR 79 करके बताते थे। इसमें जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई इससे तो इसने बताया कि सर मैं गूगल की NPA की वेबसाइट पे जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नेशनल पुलिस अकेडमी है वहाँ से हमें तरह तरह की चीज़ें मिलती थी, उनके अपने कॉमन हॉल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसकी सारी जानकारियाँ मैं करता था ताकि कोई मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं उसका उत्तर दे सकूँ। और इसी माध्यम से इसने उसी तरह की वेशभूषा अपना वर्दी भी सिलवाई और वर्दी में कुछ ड्रेसेस है, बाकी इसने आज के तकनीक में सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कुछ इसके सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स भी हैं वो हमारी हिट लिस्ट में है, उनको भी हम वांटेड करने जा रहे हैं, उनकी मदद से इन्होंने मॉर्फिंग कराई है यानी जो फोटोग्राफ्स एक्चुअल हैं वो किसी और के हैं, चेहरा अपना लगाने की कोशिश की है।